हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपांजलि एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है, जिससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी उसको देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा टॉपिक है आज का? इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ का यूज़ करके। कौन से ग्राफ का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका यूज़ करके हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हम प्रीवियसली भी डेराइव कर चुके हैं, आज फिर से डेराइव करेंगे। लेकिन उसमें अंतर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की हेल्प से हम लोग डेरिवेशन करेंगे आज के टॉपिक में। प्रीवियसली हमने फॉर्मूला के बेस पर उसको डेराइव किया था। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, ये तीनों के तीनों ही रिलेशन बताती हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन टाइम रिलेशन को बताती है। पोजीशन को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी पोजीशन, यानी पोजीशन वेलोसिटी या डिस्टेंस वेलोसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन को बताती है। कौन सी इक्वेशन है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, पोजीशन, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन को बताते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो डेरिवेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये है वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम को रखेंगे, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी वेलोसिटी को रखेंगे। ये हो गया ओरिजिन। सपोज करो हमारे पास एक कार है जिसकी इनिशियली उसने कुछ अपनी वेलोसिटी गेन करके रखी हुई है। लेट्स से अगर ग्राफ में हम बताएं उसकी इनिशियल वेलोसिटी को, जो उसने इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, तो पॉइंट ए तक वो इनिशियली चल चुकी है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक यू से सिंबलाइज करेंगे उसको। उसके बाद वो एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन हो, स्लोप हो, वो एक्सेलरेशन को शो करता है। तो पॉइंट बी तक वो चली, ठीक है। ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम के साथ। टाइम क्या है? टी। टाइम के साथ उसने ये वेलोसिटी गेन कर ली है, तो यहाँ तक उसकी ये फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम वी से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर टाइम एक्सिस पर, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो सी हो गया पॉइंट। यहाँ बी ए से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पर हो गया डी पॉइंट, और यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया पॉइंट ई। पूरा ग्राफ हो गया हमारा। अब जो जो वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखी हैं यहाँ ग्राफ पर, वही हम लोग डेरिवेशन में भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हम लोगों ने लिखी है यू, वो कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली वो है ओ ए, ठीक है, ओ ए। फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, फाइनली जो उसने वेलोसिटी गेन की है वो कितनी है? ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे, भाई यहाँ से यहाँ तक है, तो वो कितनी है? बी सी फाइनल वेलोसिटी होगी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोग देख सकते हो ग्राफ में, ये जो बी सी है, बी सी ये किसके बराबर है? ये बी डी और डी सी से मिलकर बना हुआ है, इनके बराबर है। तो अगर हम खोल के लिखें इसको, बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी डी प्लस ये डी सी, क्लियर। जैसा लिखा हुआ है वैसे हम लोगों ने यहाँ भी प्रेजेंट कर दिया है। ये जो बी सी है, बी सी इसकी वैल्यू किसकी है? ये फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, हम यही लिख देते हैं वी, ठीक है, बी डी ऐसे ही रहने देते हैं।
अब ये जो DC है ग्राफ में, DC ये किसके पैरेलल है? ये OA के पैरेलल है, ठीक है? यानी DC पैरेलल है OA के, और OA किसकी वैल्यू है? OA U की वैल्यू है, ठीक है? तो हम DC की जगह या तो OA लिख दें या फिर U ही लिख देते हैं। हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हमें इसमें BD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगी। अब प्रीवियसली हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन जो है, जब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं और वो स्ट्रेट लाइन आती है, ये एक्सेलरेशन को शो करती है, ये स्ट्रेट लाइन यानी ये स्लोप। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज ए बी, ए बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? और वो कैसे करते हैं, मतलब अगर हमें स्लोप निकालना हो कैसे निकालते हैं, y एक्सिस जो होगी अपॉन x एक्सिस, ठीक है? y एक्सिस ये है ना, और x एक्सिस ये है। तो अगर हमें ये स्लोप निकालना है तो y एक्सिस ये हो गई भाई, इसके पैरेलल ही तो है ये लाइन, तो y एक्सिस क्या हो गई हमारी, b और d, और x एक्सिस वैसे तो ये है लेकिन हमें सिर्फ इतने स्लोप की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, तो x एक्सिस हो गई ए डी, ए डी, ठीक है? अब ये जो ए डी है ये किसके पैरेलल है, ओ सी के। ए डी किसके बराबर है, ओ सी के। भाई जैसा ग्राफ में देख रहे हैं वैसे ही हम लोग लिख भी रहे हैं, ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी, और ओ सी भी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। तो हम लोग या तो ए डी की जगह ओ सी लिख लें या डायरेक्टली टाइम लिख लेते हैं। और ये स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी, आ गया इतना। टी कहाँ रखा है, यहाँ ए डी की वैल्यू टी रख दी। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि आ जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू बी डी। देखो बी डी की वैल्यू आई है 80, आगे भी यूज़ करेंगे तो याद रखना, ठीक है? बी डी की वैल्यू 80 है, रख देते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन फोर्थ समझ लो। इक्वेशन थर्ड में हम लोग वैल्यू रखते हैं, थर्ड क्या है, v इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 प्लस यू, किसकी वैल्यू है, v। आ गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अरेंज कर लें ठीक से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से डेराइव हो जाती है ग्राफ का यूज़ करके। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो वो क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस को बताती है। तो प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है उसका एरिया को कवर कर लेते हैं, कौन सा एरिया, ये ए बी, ए बी क्या है भाई, दोनों ग्राफ से हमें ये ए बी स्लोप मिला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो स्लोप मिला है ए बी, वो क्या है, हमारे वेलोसिटी टाइम कर्व, ये मिल गया हमें, और ये जो टाइम एक्सिस है। तो डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करना हो तो हमें इस कर्व के और इस टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ओ ए और बी सी, यहाँ तक का पूरा एरिया कैलकुलेट करने के बाद, तो ओ ए बी सी इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोग देख सकते हो बहुत आसानी से कि इस एरिया में, पूरे एरिया में एक तो ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरा रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझना, ठीक है?
तो हम लोगों ने अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा इस स्लोप के बीच का और ये टाइम एक्सिस के पूरे बीच का एरिया, जिसमें एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, ठीक है। और ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम रेक्टेंगल की बात करें और लेंथ लें, कितनी है ओ ए, ये रेक्टेंगल है हमारा, इसका एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ लेनी पड़ेगी ओ ए इंटू ब्रेथ, कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ ओ सी, ओ सी, बहुत बढ़िया, हाफ इंटू बेस, बेस भाई ट्राइंगल का निकालेंगे तो बेस, बेस क्या है ए डी, ए डी इंटू हाइट, हाइट क्या है बी डी, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज ऊपर थी ना वही यहाँ रख देंगे हम लोग। ओ ए, ओ ए की वैल्यू कितनी थी यू, ठीक है। ओ सी, ओ सी क्या है टाइम है, टाइम लिख देंगे यू इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ऐसे ही रहने देंगे। ए डी, अब देखो ये जो ए टी ए डी है ये पैरेलल लाइन है इसकी भी, ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए डी जो है वो ओ सी के बराबर है, पैरेलल है और ओ सी है हमारा टाइम। तो ए डी की जगह चाहे ओ सी लिख दो और चाहे सीधा ही हम लोग टाइम लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे टाइम। और बी डी वो भी हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, बी डी निकाल लिया है हमने, किसके बराबर होता है बी डी, ए टी के बराबर है भाई, हम लोग इस स्लोप से निकाल चुके हैं बी डी अपॉन इज इक्वल्स टू ए टी। तो यहाँ पर ए टी बस लिख देना है साथ में, डिस्टेंस को हम एस से खेल सिंबलाइज करते हैं तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी टी, दो हो गए हैं, हाफ हो गया इंटू ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना। नेक्स्ट अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें ग्राफ से, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कि जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी से, ओ ए बी सी, इनका अगर एरिया फाइंड कर लें तो हम ये डिस्टेंस पता कर लेते हैं। और जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव की है वो हमने इन्हीं के एरिया से कर ली, पहले हमने ट्रायंगल का एरिया फिर रेक्टेंगल का एरिया दोनों को ऐड कर लिया और पूरा एरिया कैलकुलेट करके हमने ये डिस्टेंस को मेज़र कर दिया और साथ ही साथ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव भी हो गई। यहाँ पर हम लोग जो इसे इस शेप देख रहे हैं ओ ए बी सी, कुछ इस तरह की शेप है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये शेप है, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें दो पैरेलल साइड हो, सामने सामने पैरेलल साइड हो और वैसे दो अलग साइड हो, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये कैसी शेप है, ट्रेपेजियम की, दो पैरेलल साइड आमने सामने वाली और ये दो अलग अलग, तो उसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। अगर हम इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेते तो हम डिस्टेंस को निकाल लेते अलग अलग ना करके, चलो अलग अलग किया तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। एक साथ अगर ट्रेपेजियम का निकालेंगे तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन वैसे है क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमें डराइव करनी है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल कर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता कितना है, डिस्टेंस को ऐसे से सिंबलाइज करते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम, ठीक है, ये दोनों पैरेलल का सम इनटू हाइट, हाइट जो होगी अपॉन टू, ठीक है, ये होता है सम, मतलब ये होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ टू पैरेलल साइड और हाइट। अब अगर हम इसमें लगाएं वैल्यू तो टू पैरेलल साइड ये हो गई ओ ए बी सी, इसका ही तो एरिया फाइंड कर रहे हैं ना,
तो एक पैरेलल साइड हो गई ओ ए, सम करने दूसरी हो गई बी सी। ठीक है, हाइट कौन सी लेते हैं ट्रेपेजियम में, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, पैरेलल साइड का वो हिस्सा जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये है जिसको हम टी से सिंबलाइज कर रहे हैं, यानी ओ और सी हाइट हो गई है अपॉन टू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर वैल्यू रखते हैं हम, तो ओ ए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओ ए क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, यू से सिंबलाइज करते हैं। बी सी, बी सी क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, वी से सिंबलाइज करते हैं। भाई बी सी क्या है, वी, और ओ ए का है क्या है, यू। आ गया इतना अपॉन टू इन टू ओ सी, ओ सी क्या है हमारा, टाइम। ठीक है, ये भाई टाइम है ना ओ सी, तो टाइम, ये एस की वैल्यू हमारी आ गई। अब अगर हम टाइम को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, टाइम को एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो हम ये थर्ड इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, इसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ u पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, यहाँ पर जो a है एक्सेलरेशन, वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है, और अगर बराबर के इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। ये t की वैल्यू निकालने के लिए हमने इधर उधर किया है। अब t की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले के साथ, इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई अपॉन में 2 भी रहेगा, मल्टीप्लाई में t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, ये हो गई। अब आप लोग ये देखो, हम लोग मैथ्स में पढ़े होते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, तो यही तो वही वैल्यू है, यानी v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू है, ये हो गया v प्लस यू और v माइनस यू, तो एक बार v माइनस यू है, एक बार v प्लस यू है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह, ये जो हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं वैल्यू, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो टू ए एस हो गया, और ये सारी वैल्यू एक साथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में है इनिशियल वेलोसिटी, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। पहचान गए समीकरण, इक्वेशन किसकी है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच हैज़ डेराइव्ड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो भी कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कोई भी इक्वेशन, चाहे वो ग्राफिकल इक्वेशन हो और चाहे वो फॉर्मूला बेस पर इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि जो समझ में नहीं आए, आप लोग कोशिश करो उसको जितनी भी बार हो सके, और अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए हुए मत जाना।